नमस्कार मेरे टॉरस राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेकर आया हूँ आपका मंथली फॉरकास्ट। आपकी राशि के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन साथ ही साथ एक सूचना भी आपको दूंगा कि भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो एक कॉन्टैक्ट के लिए नंबर तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता ही है एंड पे, लेकिन साथ साथ एक मैंने प्रोग्राम शुरू किया है फेसबुक के ऊपर, लाइव शो किया है जिसमें आप भाग ले सकते हैं, ज्वाइन इन कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल का जवाब उसी समय आपको दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपकी राशि के साथ के इस महीने में क्या होगा। राशि की अगर मैं शुरुआत में देखूँ तो चंद्रमा जो है वो आपकी राशि में शनि के साथ मिलकर अष्टम भाव में होंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र का एक ट्रांजिट इस महीने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आप निराश हैं, आप उदास हैं, आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपकी कहीं ना कहीं वो आके अटक जाती है, या उसमें इम्प्रूवमेंट जितनी आप चाहते हैं उतनी हो नहीं पाती है। तो ऐसा लगता है कि निराशा से कहीं ना कहीं आप खो रहे हैं, डूबे हुए हैं, और ये महीना कहीं ना कहीं आपको उदास करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के साथ साथ एक और सबसे बड़ी जो चीज़ इस महीने में आपको परेशान कर सकती है वो है आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका बिजनेस। आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, आपके कलीग, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स निश्चित तौर पे आपके साथ कुछ ना कुछ उनको कंप्लेंट होगी, या वो जानबूझकर आपको जो है हरास करने की कोशिश कर सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना अच्छा दे रहे हैं तो आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो लोग तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन आपके हाथों से आपका काम चला जाएगा, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर बाद में कई बार जॉब मिलने में दिक्कत हो जाती है, या हम क्या गारंटी कर सकते हैं कि जो नई जॉब होगी उसमें आपके जो साथी होंगे वो अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय धीरजता के साथ अपने एम को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में आपकी राशि से गुजर रहे हैं। दोनों ही ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, और ये राशि परिवर्तन जहाँ बुध 10 तारीख को आपके हाउस ऑफ फाइनेंस में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को मजबूती देने की कोशिश करेगा। वहीं सूर्य भी इसी घर में आने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीज़ें आपको लगती हैं के फाइनेंस में आपको हेल्प कर सकती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक साधन मुझे दिखता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से आपको सडन गेन जो है वो हो सकता है, जो आपके फाइनेंस को जो है वो बढ़ा सकता है। या आपको लगता है कि नहीं, चलो पैसे हैं घर में, मुझे जो चीज़ें चाहिए तो मुझे लेके आनी, मुझे नया टेलीविजन चाहिए तो चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं। तो कुछ घर के अंदर के प्रोडक्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको लाने की कोशिश करें, जिसमें आपका धन जाया जा सकता है, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके माध्यम से धन आ सकता है। वहीं शुक्र का राशि परिवर्तन भी इस महीने होगा, जो राहु के साथ आपके हाउस ऑफ पराक्रम में यानी कि थर्ड हाउस में आ जाएगा। राहु के साथ शुक्र का इस घर में आना अक्सर कर आदमी को बहुत हाइपर कर देता है, सस्पिशियस बना देता है, सस्पेक्ट करता है, हर इंसान के ऊपर डाउट करना शुरू कर देगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करते हैं। जैसे कोई इंसान दो लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उनका आई कॉन्टैक्ट आपके साथ हो गया तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि वो आपके बारे में ही बात कर सकते। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करके आप करें ताकि आपकी मन की शांति जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि शुरुआत में ही चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, क्योंकि वो आपके पराक्रम के कारक हैं, शनि के साथ बैठ गए हैं। तो आपके मन की स्थिति को इस बार जरूर परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत सारा ध्यान रखना होगा, ध्यान से चलने से, गाड़ी चलाने से और अच्छी नींद लेने से, क्योंकि टायर्डनेस आपको परेशान कर सकती है, आपको लाभ होगा, नहीं तो ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों के बारे में, तो निश्चित तौर पे ये महीना बच्चों के मामले में कुछ अच्छी समाचार, अच्छी बातें लेके आ रहा है, यानी कि बच्चे जो हैं उनकी जॉब की बात है तो जॉब में उनको जॉब मिल जाएगी, अगर प्रमोशन की बात करें तो उनको प्रमोशन मिल जाएगी, उनकी एजुकेशन है तो एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे, और अगर वो उनकी शादी नहीं होती इस बार उनको कोई अच्छा पार्टनर, कोई अच्छी बात, अच्छा कोई प्रपोजल आ सकता है। तो जान के बच्चों की ओर से कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि एक छोटा सा हॉलीडे किया जाए, क्यों ना किया जाए, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, बच्चों के एग्जाम भी हो रहे हैं तो आदमी सोचता है चलो थोड़ा घूम आते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं ये कहूँगा कि घूमिए जरूर, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ ये रखिए कि अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखें, अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर काबू रखें, और अगर आप इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं ब्रेक है तो आप 100% ब्रेक लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहें ऐसा ना हो कि आपका माइंड जो है वो
वो ऑक्यूपाइड रहे, आप वहाँ होकर भी वहाँ ना रहें, तो इससे आपके धन का नुकसान भी होगा, आप समय भी व्यर्थ करेंगे और एक 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 बैड मेमोरीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अपनी पोजीशन को, अपने अपनी कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए आपको एक उपाय इस बार करना होगा, जो उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। चने की दाल, चने की दाल आपको लंगर में देते रहना और लंगर की सेवा करते रहना इस बार आपके लिए बेहतरीन उपाय साबित होगा, जिससे मुश्किलें छटेंगी और आपको एक सुकून मिलेगा। या ये कह सकते हैं कि आप किसी बुजुर्ग फैमिली मेंबर, अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स या और कई रिलीजियस पुरुष होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें तो एक और भी अच्छी बात आपके लिए बनेगी। लेकिन समय के दौरान कोशिश करें कि आप फ्रूट जो है, किसी से भी फल जो है, वो कहीं से भी गिफ्ट में, दान में, प्रेजेंट में आपके घर में आते हैं, कोई जैसे मिलने आता है तो फल फ्रूट ले आता है, फ्रूट लेके आ जाते हैं, कई बार लोग फ्लावर्स लेके आते हैं, तो अलग अलग तरह की बातें रहती है। तो कोशिश करिएगा कि खास तौर से वो फ्रूट जिसका रंग लाल हो वो ना लिया जाए, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, अन्यथा इस फ्रूट से आपके घर की स्थिति जो है, घर के अंदर का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और ख़ासतौर पर उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको किसी तरह से भी कोई एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो रही है, चाहे वो मौसम की एलर्जी है, चाहे वो किसी फूड की एलर्जी है, किसी तरह की एलर्जी, आपको बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि ये चैलेंजिंग मंथ है आप लोगों के लिए, आपको बहुत सावधानीपूर्वक और धीरज के साथ सारी चीज़ें करनी होगी, तो लाभ आपके लिए बना रहेगा, जहाँ स्थितियों को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने चाहने वालों को भी बताएं। आप करें इंजॉय, रहें तंदुरुस्त। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।